बड़नगर पुलिस की एक और सबसे बड़ी शानदार सफलता, वाहन चोर गिरोह से 9 मोटरसाइकिल जब्त की गई है और लगातार एक के बाद एक गंभीर अपराधों का खुलासा करते हुए सफलता अर्जित करती जा रही है। आज भी थाना प्रभारी मनीष मिश्र के नेतृत्व में बड़नगर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया एवं बड़नगर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी रविंद्र बायोट के निर्देश से क्षेत्र में असामाजिक व आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने एवं संपत्ति संबंधी अपराधियों की धरपकड़ करने में शानदार सफलता अर्जित की है। बड़नगर पुलिस ने 18/10/2022 को वाहन चेकिंग के द्वारा 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर वाहन के कागजात आदि के बारे में पूछताछ की गई है तो वे कई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल क्रमांक MP13EN9853 प्रेशन प्रो जो कि शिवाजी पथ बड़नगर से चुराई गई थी उसे जब्त कर लिया है और बड़नगर थाने पर अपराध क्रमांक 549/22 में मुकदमा पंजीबद्ध कर आरोपी गणों को गिरफ्तार कर लिया है। जब दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने उज्जैन, इंदौर, धार, जिला व आसपास क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चुराना कबूल किया है, जिसमें बड़नगर को 3, थाना राव जिला इंदौर की 1 मोटरसाइकिल जब्त की है। अब तक आरोपियों से कुल 9 मोटरसाइकिलें जिसकी कीमत लगभग 4 लाख बताई जा रही है उन्हें माननीय न्यायालय में आरोपी गणों को पेश किया गया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी मनोज मिश्र, उप निरीक्षक सुरेश सिंह, मुकेश नागर, रुपेश परले, मोतीलाल वर्मा एवं चालक से गोवर्धन लाल दाबे की सराहनीय भूमिका रही। बड़नगर से संवाददाता राधेश्याम सावरा की रिपोर्ट। जब उससे गाड़ी के कागजात वगैरह पूछताछ की है तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पूछताछ के बाद उससे 9 मोटरसाइकिल जब्त हुई है, जो 3 थाना बड़नगर से चोरी हुए वाहन थे, 1 थाना इंदौर से, और बाकी वो भी उनकी तलाश कर रहा था कि ये सारे बड़नगर पुलिस स्टेशन बहुत अच्छा काम। सर कितने लगभग कितने कीमत की गाड़ियाँ होगी ये? लगभग 4 लाख की कीमत है इन गाड़ियों की, और 3 बड़नगर थाने की है, 1 इंदौर की है, और 2 नंबर 6 नंबर।